इस इलाके के बहुत ही गरीबों के मसीहा के तौर पर कहें तो कम ही होगा, हर समाज के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति उनकी बहुत ही अच्छी सोच थी। और उनके मृत्यु के उपरांत सिरघाटी में एक बड़ी शख्सियत को हम लोगों ने खो दिया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में अभी नहीं दी। 29 तारीख को मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, वो मेरे क्लिनिक पर आए थे बिनाती को लेकर दिखाने के लिए। तो बता रहे थे कि भाई मेरा तो हर जगह फैल गया, पेट में फैल गया है, तब तो लगता है कि अब वक्त करीब है। लेकिन अब देखिए ऊपर वाले को मंजूर था, ये इतना जल्दी ही गए चले गए दुनिया से। उनके जो सामाजिक सरोकार थे, जो उनका पेशा था होम्योपैथी चिकित्सा को लेकर के, इसको आप बहुत दिन से उनको देख रहे थे, क्या कहेंगे? मेरे समझ से तो ये पूरे इलाके में सिरघाटी गया भी ले लिए, ये इनके टक्कर को भी डॉक्टर इतना जानकार होम्योपैथी के मामले में, सब्जेक्ट पर उनको जो है वो था और हर चीज पर जानकारी थी, और इलाज भी पूरे ये से करते थे जिस मर्ज का इलाज होम्योपैथी में नहीं हो उसको बता देते मरीजों को, ये इसका इलाज इसमें नहीं है, इसे टीबी हुआ, लेप्रोसी हुआ। बहुत से लोग होते हैं कि सूट खींचे जाते हैं, दवा देते रहते हैं महीनों तक, फिर वो उसी वक्त बताते हैं कि ये यहाँ हमारे इलाज नहीं होगा, आप जाकर के सरकारी अस्पताल में या डॉक्टर के पास एलोपैथिक में दिखा लीजिए। तो ये बात थी उनमें, और बहुत साफ सुथरी प्रैक्टिस करते थे और बहुत नेक इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब सिर्फ होम्योपैथिक पर ही उनकी पकड़ नहीं थी, बल्कि उर्दू अदब में भी अच्छी खासी दिलचस्पी रखते थे और वो अशार के ख़जाना थे। हर मौके मसलहत पर वो कोई ना कोई एप्रोप्रिएट शेर पढ़ देते थे, और जिस महफिल में भी बैठते थे वो पूरी महफिल कह कह से गुंज जाया करती थी। और उनके मौत खुसूसन मेरे घराने के लिए, इस मोहल्ले के लिए और पूरे अतराफ के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट